ही। तो ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको खुद के 13 फोटोज़ मतलब 13 फोटोज़ रेडी करके रख देनी है। 13 फोटो रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर मूव करके शो कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अब स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी ऊपर आप देख सकते हो एक फोटो और वीडियो का ऑप्शन है, तो फोटो वाले ऑप्शन के ऊपर चल जाना है। ऊपर आपको एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पर जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 13 फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो 13 फोटोज़ आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करते जाना है। जैसे आप 13 फोटोज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर 13 नंबर शो हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको समझ जाएगा आपने कितने फ़ोटो सिलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर अभी आप देख सकते हो आ चुका है। तो इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये जो फोटोज है, इन फोटोज़ को आपको रेट्रो वाला इफेक्ट ऐड करना है। तो रेट्रो वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए आप देख सकते हो कोई भी एक फ़ोटो के बार को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बहुत सारे कैटेगरीज आपको आ जाएंगे, तो इधर राइट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अभी आपको एक रेट्रो वाला कैटेगरी दिखेगी, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ से R1 से जितने भी आगे हैं मतलब R7 R10 तक, तो ये सारे जो रेट्रो वाले इफेक्ट हैं, तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो इफेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मोस्टली जो इफेक्ट ऐड होते हैं वो है R2 और R5, तो इसमें से भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारे फ़ोटोज़ को एक ही इफेक्ट देना है तो R2 को सिलेक्ट करो फॉर एग्जांपल, और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो सारे फ़ोटोज़ को R2 वाला इफेक्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी इतना हो जाने के बाद आपको देखना है हर एक फ़ोटो को। अभी आप देख सकते हो इस वाले फ़ोटो के ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का बॉर्डर शो हो रहा है, तो इसे आपको रिमूव करने के लिए आप फोटो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फोटो पर जाके इस तरीके से थोड़ा सा इसे जूम आउट जूम इन करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारे फोटोज़ को एडजस्ट करके भी ले लेना है। इसके बाद एकदम वीडियो के आपको स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक टैप टू ऐड म्यूज़िक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर आपको जाना है, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। ऑडियो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने चूज़ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे, वॉल्यूम का ऑप्शन आपको 100 ही रखना है, फेड इन फेड आउट भी आपको 0 ही रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 12 बीट्स मतलब 12 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 0.97, तो यहाँ पर 0.97 आने तक आपको इसे मूव करना है, और जिस पॉइंट पर 0.97 आ जाएगा उस पॉइंट पर आकर रुक जाना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक 0.97 आ चुका है। तो इसके बाद स्क्रीन के नीचे सर्कल में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर आपको एक फ्लैग का आइकॉन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर आ चुका है, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट बीट है वो ऐड हो चुकी है। तो बचे हुए बाकी की 11 बीट्स भी आपको ऐसे ही सिमिलर ऐड कर लेनी है। बचे हुए बीट का जो टाइम ड्यूरेशन है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सारे बीट को यहाँ पर ऐड करके ले लेना है। सारे बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 12 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार्क है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का बार है इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो आपको करना है कि हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो और वीडियो फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। यहाँ पर एडिट करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जैसे दो उंगली आप कोई भी फोटो को जैसे जूम करते हो वैसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। तो अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे आपको फर्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है, उसे उस पॉइंट तक ड्रैग करना है।
फिर सेकंड लाइन को सिलेक्ट करके सेकंड फोटो को ड्रैग करना है। ऐसे आपको हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट करके ले लिया, लेकिन ये लास्ट वाले फोटो के लिए आपको ऊपर कोई भी लाइन नहीं शो होगी। तो आपको करना क्या, आपको ऑडियो का जो ब्लू कलर का बार है जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक आपको लास्ट वाले फोटो को ड्रैग करके लेना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग कराना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हर दो फोटो के बीच में आपको एक छोटा सा प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा, तो इस ब्लैक वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे ये जो बार दिख रहा है इसे आपको पूरा जितना भी आगे जाएगा उतना पूरा कर लेना है। और नीचे अभी आपको एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बस यहाँ पर आपका जो रील है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो बनाया वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील से आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।